नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम विशेषण में संख्यावाचक विशेषण के भेद देखेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे गुलाब का फूल सुंदर है, वहां बहुत भीड़ थी, हम तीन भाई है, मुझे थोड़ा पानी दे दो, कौवा काला होता है। इन वाक्यों में सुंदर, बहुत, तीन, थोड़ा, काला ये विशेषण है। विशेषण के मुख्य आठ भेद है, उसमें गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के तीन भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और विभागबोधक संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के सात भेद हैं, उसमें पूर्ण संख्याबोधक, अपूर्ण संख्याबोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक और समुच्चय बोधक। अब हम यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण, उसके भेद और उपभेद देखेंगे। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण की दूसरी परिभाषा देखो, जिस विशेषण से प्राणी, व्यक्ति या वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुस्तक का मूल्य 10 रुपये है, वह चार भाई थे, सभी लोग जमा हो गए, 10-10 हाथी साथ चल रहे थे, कुछ रुपए खर्च हो गए। इन वाक्यों में 10 रुपये, चार, सभी, 10-10, कुछ, यह संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण का पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी प्राणी, व्यक्ति या वस्तु की संख्या का निश्चित ज्ञान देता हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में आज 10 विद्यार्थी हैं, वह आधा तरबूज खा गया, राम 8वें स्थान पर खड़ा था, भीम दुगुना खाना खाता है। इन वाक्यों में 10, आधा, 8वें, दुगुना, इन विशेषण से हमें संख्या का निश्चित ज्ञान होता है और इसीलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के सात भेद है, उसमें से पहला पूर्ण संख्याबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संख्या की पूर्णत्व का बोध होता हो उसे पूर्ण संख्याबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पूर्ण संख्याबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण को ही गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे एक लड़का घर चला गया, दीपक के घर 4 आम लेकर आना, मुझे 50 रुपये चाहिए। इन वाक्यों में 1, 4, 50, इन विशेषण से हमें संख्या की पूर्णत्व का बोध होता है, इसीलिए ये पूर्ण संख्याबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद है अपूर्ण संख्याबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संख्या की अपूर्णत्व का बोध होता हो उसे अपूर्ण संख्याबोधक
निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे श्याम आधा केला खा गया, सीता एक पाव दूध लाई, मैंने 1.5 किलो अंगूर खरीदे। इन वाक्यों में आधा, एक पाव, 1.5 किलो इन विशेषणों से हमें संख्या की अपूर्णत्व का बोध होता है, इसीलिए ये अपूर्ण संख्या बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का तीसरा भेद है क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संख्या के क्रम का बोध होता हो उसे क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे अंजलि विद्यालय में पहले आई, गीता तीसरे स्थान पर खड़ी थी, यह हमारा दूसरा घर है। इन वाक्यों में पहले, तीसरे, दूसरा यह विशेषण से हमें संख्या के क्रम का पता चलता है और इसीलिए ये क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का अगला भेद है आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संख्या की आवृत्ति का बोध होता हो उसे आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे देश की आबादी आज दुगुनी हो चुकी है, मोहन 3 गुना वजन उठा सकता है, इसके मुझे 5 गुना पैसे चाहिए। इन वाक्यों में दुगुनी, 3 गुना, 5 गुना इन विशेषणों से हमें संख्या की आवृत्ति का बोध होता है, इसीलिए यह आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का पांचवा भेद है समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संख्याओं में समूह का बोध होता हो उसे समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण को ही समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे गणेश 5 भाइयों में बुद्धिमान है, चारों ओर अंधेरा था, मुझे 1 दर्जन केले दीजिए। इन वाक्यों में 5, 4, दर्जन इन विशेषणों से हमें संख्याओं में समूह का बोध होता है, इसीलिए ये समुदायवाचक या समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का छठवां भेद है प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों के प्रयोग से हर एक का बोध होता हो उसे प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे हर साल हम विदेश घूमने जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, शेरों की संख्या हर एक देशों में कम हो चुकी। इन वाक्यों में हर, प्रत्येक, हर एक यह प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का सातवां भेद है समुच्चयवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों के प्रयोग से समुच्चय संख्या का बोध होता हो उसे समुच्चयवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे यह सिर्फ 2 दर्जन केले हैं। शब्दों की जोड़ियां मिलाइए, महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी धूमधाम से मनाई गई। इन वाक्यों में दर्जन, जोड़िया, शताब्दी यह विशेषण से हमें समुच्चय संख्या का बोध होता है, इसीलिए ये समुच्चयवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद देखो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी प्राणी, व्यक्ति या वस्तु की संख्या का निश्चित ज्ञान न देता हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण
कहते हैं। जैसे वहां हजारों व्यक्तियों की भीड़ थी, कक्षा के सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए, कुछ रुपए साथ ले लो। अनगिनत बालकों ने राष्ट्रगान गाया। इन वाक्यों में हजारों, सभी, कुछ, अनगिनत इन विशेषणों से हमें निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का तीसरा भेद है विभाग बोधक संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी प्राणी, व्यक्ति या वस्तु की संख्या में विभाग का ज्ञान देता हो उसे विभाग बोधक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर 10-10 बंदर बैठे थे, 5-5 विद्यार्थी खड़े रहे, वह 2-2 आम खा रहा था, भीम ने 4-4 पहलवान पटक दिए। इन वाक्यों में 10-10, 5-5, 2-2, 4-4 यह विशेषण संख्या में विभाग का ज्ञान देते हैं, इसीलिए ये विभाग बोधक संख्यावाचक विशेषण है। अगली वीडियो में हम सार्वनामिक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण के भेद देखेंगे। धन्यवाद।